तो मैं विनोद कुमार और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। दोस्तों आप लोग भी परेशान हैं सब्सक्राइबर से, आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, फर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा दोस्तों, और व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे। तो ये प्रॉब्लम छोटे यूट्यूबरों की बहुत हो रही है। अब मतलब ये प्रॉब्लम इतनी हो गई कि मत पूछो, तो परेशान हो गए कि अपना फर्स्ट टाइम कैसे बढ़ाए, अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। दोस्तों कुछ अपन ऐसा कर सकते हैं जिससे कि अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। तो उसके दो रास्ते हैं दोस्तों। एक रास्ता ऐसा है जो कि शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, अपने चैनल पे वर्क करना पड़ेगा, अपने चैनल को टाइम देना पड़ेगा, अपने चैनल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे दोस्तों। और चेंजेस वो क्या क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहला मैं बताता हूँ कि सही तरीके से सब्सक्राइब किस तरह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों थंबनेल। थंबनेल आपका इतना अच्छा होना चाहिए जो आपको थंबनेल को देखकर व्यूज़ उस पर ज़रूर क्लिक करे। आपका वीडियो 1 या 2 मिनट आपका वीडियो ज़रूर देखे दोस्तों। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग लगाएं, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और सिंपल सी बात है, आप जो भी चैनल क्रिएट कर रहे हो, है ना, जो आप जिस रिलेटिव में आप जो वीडियो बना रहे हो, चाहे कुकिंग का वीडियो है, व्लॉग का वीडियो है, या किसी एजुकेशन का वीडियो है, तो मतलब कुछ कम समय में अच्छी जानकारी, मतलब फास्ट जानकारी, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि अपना वीडियो 8-8, 9-9, 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो अपना पूरा अपना वीडियो कोई देखे। लोग इतना लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में कुछ ज़्यादा दिखाना है। जैसे आप कुकिंग का चैनल है तो आप उनको ये रेसिपीज बताते हो कि देखो मैं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। जब आप सामग्री डालते हो वो सब चीज़ उसमें बता दो, या मतलब शॉर्ट में सब चीज़ें बता दो, मतलब कम समय में लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आए। तो डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि कुछ व्यूअर्स होते हैं उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, सुनने में तो वो भी अच्छा होता है, और वीडियो क्लियरिटी वो सबसे बेस्ट होती है। तो ये सब चीज़ें। दूसरा तरीका है कि आप 7, 8, 9, 10 महीने जो भी है आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो, और आप वीडियो बहुत जल्द सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है ना, तो सबसे दूसरा आप किसी से सब्सक्राइबर परचेज़ कर लो। आज यूट्यूब में काफ़ी यूट्यूबर हैं जो आपको वॉच टाइम भी बढ़ा के दे रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ा के दे रहे हैं। तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना चल के आप शॉर्टकट रास्ते को भी अपना सकते हैं, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी कंडीशन क्या, प्रॉब्लम क्या होती है छोटे छोटे यूट्यूबरों की, कि अपना पूरा टाइम उसी में चला जाता है, हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, हमें वॉच टाइम बढ़ाना है, तो अपन उसी में ध्यान लगा देता है। दोस्तों मेरा तो जहाँ तक मेरा ये मानना है दोस्तों, हम कहीं से सब्सक्राइबर परचेज़ कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कुछ पे करके, ज़्यादा भी नहीं, इतना भी पे नहीं करना है, कुछ पे करके आप सब्सक्राइबर को परचेज़ कर लीजिए। और मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अपन सब्सक्राइबर के पीछे भागेंगे, वॉच टाइम के पीछे भागेंगे, तो काफ़ी समय चला जाएगा, और अब अर्निंग भी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर है जो अपना चैनल अभी 2021 में स्टार्ट किया है और 2022 पूरा कंप्लीट होने का है, उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े दोस्तों, ना उसका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो उसको नौकरी करना अच्छा है, कम से कम उसे वहाँ से कमाई तो मिलेगी। अगर कोई पूरा बंदा यूट्यूब पर ही डिफेंड है, कोई बंदा पूरा यूट्यूब पर डिफेंडर, उसको लगता है कि उसके यूट्यूब से ही कुछ अर्निंग करनी है, यूट्यूब ही उसका फैश है कि उसे यूट्यूब पर ही वर्क करना है, तो ऐसे बंदे को तो दोस्तों सब्सक्राइबर परचेज़ कर लेना चाहिए। और ऐसे ही आप कहीं भी सर्च करोगे यूट्यूब में तो जेन्युइन लोग भी हैं जो सब्सक्राइबर भी बढ़ा के देते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ा के देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऐसा नहीं मैं मानता हूँ दोस्तों, कुछ हैं जो फ्रॉड भी हैं, अपना पैसा भी ले लेते हैं और आपको सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ाते हैं, ना वॉच टाइम बढ़ाते हैं, ना व्यूज़ बढ़ते हैं, तो ऐसे बंदे भी दोस्तों काफ़ी है। और कुछ जेन्युइन बंदे भी हैं दोस्तों जो अपना काम सही ढंग से करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा टेक्निकल कौशल सर का। टेक्निकल कौशल सर बहुत ही जेन्युइन इंसान है और उनका वर्क काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी कम पे में वो काफ़ी अच्छा काम भी करके देता है और विश्वास के साथ काम करना भी चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, मैं आपको किसी को ये नहीं बोलूँगा नहीं आपको खरीदना ही, जो बंदा मेहनत कर रहा है और उसको कामयाबी भी नहीं मिल रहा है और वो भाग रहा है वॉच टाइम के पीछे या सब्सक्राइबर के पीछे, तो ऐसे बंदे को तो दोस्तों उसको लगता है कि मुझे पूरा समय अपन को यूट्यूब पर ही देना है दोस्तों, तो ऐसे बंदे को तो सब्सक्राइबर एक बार एक टाइम परचेज कर लेना चाहिए, जो आपको महीना भर में आई थिंक
इवन 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन या एक महीने में आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, फर्स्ट टाइम भी बढ़ जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने सब्सक्राइबर खरीद लिए प्रोसेस के तो हमारा चैनल नहीं दोस्तों मोनेटाइज होगा दोस्तों चैनल। अगर आप रियल बंदे से, किसी अच्छे बंदे से आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो आपका फर्स्ट टाइम भी बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपका चैनल भी 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप काम कर सकते हो, क्यों कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे ही भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज़ है टाइम, जो टाइम एक बार हाथ से निकल गया वो टाइम वापस कभी भी लौट के नहीं आता है। तो दोस्तों आप अगर अच्छे यूट्यूबर हो, अच्छे वीडियोस बनाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं 7-8-9 महीने 10 महीने में अपने सब्सक्राइबर गेन कर लूँगा, बढ़ा लूँगा मैं, तो कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, अच्छा थंबनेल, अच्छा डिस्क्रिप्शन डालिए, अच्छा टाइटल डालिए, हैशटैग लगाइए, है ना, तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ज़रूर किसी चीज़ में कामयाब होंगे। और जो बंदे काम भी कर रहे हो और यूट्यूब भी संभाल रहे हो, तो आई थिंक उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको समय समय वीडियो सही ढंग से नहीं बना पाते, सब्सक्राइबर गेन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को सब्सक्राइबर खरीद लेने चाहिए दोस्तों। और कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग सब्सक्राइबर परचेज करते हैं और अपना यूट्यूब मोनेटाइज भी करवाया, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना चैनल मोनेटाइज भी करवाया। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट करके बताना, और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके बाय।